हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। मंच के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो 20 अप्रैल को स्वर्ण समाज से जुड़े सैकड़ों लोग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश के माध्यम से विधानसभा का घेराव करेंगे। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने मुख्यमंत्री का शगुन योजना में स्वर्ण वर्ग की लड़कियों को शामिल करने के लिए आभार भी जताया। हमीरपुर में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर प्रदेश में स्वर्ण आयोग गठन करने की मांग की। प्रदेश सरकार को भेजे ज्ञापन में मंच ने स्वर्ण बच्चों के लिए शिक्षा में एक समान अधिकार देने व फीस भी एक समान करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल में राजपूत ब्राह्मण व खत्री वर्ग के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने मुख्यमंत्री से मिलकर 90 दिन का समय आयोग के गठन को लेकर दिया था, जो 20 अप्रैल को पूरा हो रहा है, मगर अभी तक सरकार इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाई है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल से शिमला में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के तले सचिवालय का घेराव किया जाएगा। चलिए, आज हमारा संयुक्त वर्ग सामान्य मंच का एक प्रतिनिधि मंडल जो है उसने जिलाधीश हमीरपुर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि हिमाचल प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए जो फीस है वो अन्य की तरह ही निर्धारित की जाए। हम सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शगुन योजना में सामान्य वर्ग की बेटियों को भी शामिल कर लिया है। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग पर विचार करे, अन्यथा जो प्रदेश का निर्णय है उसके अनुरूप हम 20 अप्रैल को शिमला में विशाल धरने का आयोजन करेंगे, जिसमें सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा। वर्ग का संयुक्त मंच है, इसमें हिमाचल प्रदेश राजपूत महासभा, खत्री महाजन सभा, ब्राह्मण सभा, सभी संघों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हैं।